नमन समय हूँ प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ग्रो से। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं बोलेरो फुल वीडियो सॉन्ग पे, और ये है एल्विश यादव मतलब हमारे राव साहब और मनीषा रानी का गाना, और इस गाने को गाए हैं प्रीतिंदर और आशीष कौर ने, और इसमें म्यूजिक है रजत का। तो सबसे पहले हमें सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। प्यार कहाँ होगा, तुम तो फरार हो जाते हो, चार गाड़ियाँ आती हैं गली को मिलने आते हो, लोगों के हाथ जुड़ाते जो मेरे आके बैठते पैरों में, अरे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़े शहरों में, तू बैठते सही बुलेरों में। लोगों का सपना है तू पूरी है मेरी और आधा गुड़गांव अपना है, 10 साल पहले कर दिया जो अब लोगों का सपना है। रातों को तो सुने थे फायर होते हैं दोपहरों में, अरे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़े शहरों में, तू बैठते सही बोलेरो में। कुछ गैरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़े शहरों में, ले बैठ गई मैं बोलेरो में। ये था सॉन्ग, और जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि एल्विश और मनीषा को एक साथ किसी गाने में देखने का। और लिटरली इस गाने की बात की जाए तो जो म्यूजिक है, मतलब लिटरली इतना ज्यादा कमाल का म्यूजिक दिया है, एकदम फुल ऑन क्लब वाली वाइब, पार्टी वाली वाइब भी पूरा मतलब गाना देता है। और जो इसकी हुक लाइन है कि बेबी बैठ बोलेरो में, और मतलब बोलेरो भी ऐसी वैसी नहीं, फुल मॉडिफाई, उसके टायर देखो अलग से निकले हुए साइड से, और लिटरली इतना ज्यादा कमाल का ये पूरा गाना लगा, जो वाइब दे रहा था ये गाना, सीरियसली मजा आया मुझे पूरा हाँ। गाना सुन के। और एल्विश यादव और मनीषा रानी, उनको तो बिग बॉस से हम देखते हुए आ रहे साथ में, वो साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन हाँ, मुझे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा डांस कम, मतलब मनीषा रानी इतना अच्छा डांस करती है तो थोड़ा उनका डांस और ज्यादा दिखाया जा सकता था। लेकिन हाँ, गाने का म्यूजिक काफी अच्छा है और क्लब वाली वाइब तो दे रहा है। लेकिन मुझे स्पेशली लगा कि जैसे गाड़ी के अंदर अगर आप ये गाना बजाएंगे, और जो म्यूजिक है इसका, जहाँ पे मैंने गाना सुनते टाइम बोला भी था कि ये म्यूजिक सबसे इसका बेस्ट लग रहा था मुझे, तो वो म्यूजिक ही सबसे ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। और दोनों को साथ देखना वीडियो काफी अच्छा, और वैसे मतलब जैसा हमने बिग बॉस में भी देखा था, जब इनकी जो छोटी मोटी नॉकडाउन होती थी, जब भी इनको मतलब मनीषा रानी उनको मन चले जी कहके मतलब चिढ़ाती थी, तो वो सब लोगों को पसंद आता था।
तो इसी मतलब इस गाने के अंदर भी ऐसे एक दो सीन दिखाया गया है जहाँ पे मतलब एलविश यादव वो चिढ़ा रही है या वो खुद गुस्सा कर रही है, तो काफी अच्छा लग रहा था ये पूरा गाना। और हमें हाँ, दोनों को एक साथ देख के ये जो वीडियो है ना वो पसंद आया, क्योंकि एलविश यादव और मनीषा रानी दोनों ही प्योर जैम है और सच में उनको साथ में देखना, और लिरिक्स काफी अच्छे है, गाना वीडियो काफी अच्छा है। हाँ, वीडियो में दोनों की वॉइस काफी अच्छी लग रही थी, और वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पसंद नहीं आया, वो सब कुछ हमें एकदम अच्छा लगा। बाकी आपको ये गाना कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।